हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी वे में। आज हम पंचमा पाठ जननी तुल्य वत्सला के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न हल करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कैम है वृषभ दीनिति जानपि कह तम नुत्यमान आसीत। बेल कमजोर है ऐसा जानते हुए भी कौन उसे कष्ट दे रहा था? उत्तर हो जाएगा इसका कृषक। खैमे है वृषभ कुत्र पपात, बेल कहाँ गिर गया? उत्तर होगा इसका क्षेत्रे, खेत में। गैमे है दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, दुर्बल बेटे पर किसकी अधिक कृपा होती है? उत्तर मातुः, माता की। घैमे है कयो एक शरीरेण दुर्बलः आसीत, किन में से एक शरीर से कमजोर था? तो उत्तर हो गया इसका बलिवर्दयो, दो बेल में से एक का शरीर कमजोर था। डैमे है चंडवातीन मेघर्वेष्ट सह कह समजायत, तीव्र वायु और बादल की गर्जना के साथ क्या होता था? उत्तर हो गया इसका प्रवर्ष, तेज वर्षा। प्रश्न नंबर दो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कह में पूछा है कृषक है किम करोति, इसमें किसान क्या कर रहा था? उत्तर हो गया इसका कृषक क्षेत्र कर्षणम करोति, इसमें किसान खेत जोत रहा था। खै है माता सुरभि किमर्थम श्रोणी मुंचति, इसमें माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? उत्तर हो जाएगा इसका माता सुरभि है स्वपुत्रम भूमपतितम दृष्ट्वा नेत्राभ्याम अश्रुणी मुंचति इसमें। माता सुरभि अपने पुत्र को धरती पर गिरे हुए को देख करके आंसू बहा रही थी। गय में पूछा है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर देती है? उत्तर अहम तु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि, मैं पुत्र को शोक कर रही हूँ इसीलिए रो रही हूँ। घै में है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अति कृपा किस पर होती है? उत्तर दुर्बली सुते मातुः अधिका कृपा भवति, दुर्बल बेटे पर माता की कृपा अधिक होती है। डे में पूछा है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृत्वान, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? उत्तर है इसका इंद्रेण दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टि कृता, इंद्र ने दुर्बल बैल को कष्ट से दूर करने के लिए उसने वर्षा कर दी। प्रश्न च जननी की दृशी भवती, जननी कैसी होती है? उत्तर जननी तुल्य वत्सला भवती, माता समान वात्सल्य प्रदान करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में किनका संवाद है? उत्तर पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयोः संवादः विद्यते, इस पाठ में सुरभि और इंद्र का संवाद है। प्रश्न तीन। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनम, ख स्तंभे दत्तेह समानार्थक पदे कुरुतः, क स्तंभ में जो पद दे रखे हैं उनका ख स्तंभ के पदों के साथ में समानार्थक पदों के साथ में मिलान करना है। तो यहाँ देखिए इसमें कह में देखा है कृच्छ्रेण, यहाँ जो है वृषभ, लेकिन क के साथ में कृच्छ्रेण के साथ में होगा काठिन नेन, चक्षुर्भ्याम इसके साथ में आएगा नेत्र भ्याम। गय में है जवेन, जवेन के साथ में जुड़ जाएगा द्रुतगत्या। फिर गय में इंद्र, इंद्र के साथ में जुड़ेगा वास्वः, पुत्रः
पुत्रः के साथ में हो जाएगा सुतः, शीघ्रम शीघ्रम के साथ में होगा चिरम, और बलिवर्धः बलिवर्धय के साथ में हो जाएगा वृषभः। प्रश्न चार, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे पदों के आधार पान करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। कह में पूछा है स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से बोझ उठाता है, तो यहाँ आया है कृच्छ्रेण, तो इसकी जगह पर आएगा केन। यहाँ देखिए उत्तर नीचे लिख रखे हैं। खे में है सुरादीपः ताम अपृच्छत, देवराज ने उससे पूछा, तो सुरादीपः किसने पूछा, तो इसीलिए आ जाएगा क। आया अन्येभ्यो दुर्लभः दुर्बलः, यह औरों से कमजोर है, तो अन्येभ्यो, तो इसकी जगह पर आ जाएगा कि भाई किससे कमजोर है, तो यहाँ हो जाएगा कैभ्यो। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी, तो सुरभि किसकी माता थी, गायों की, तो धेनु नाम की जगह आ जाएगा यहाँ पर कासाम। फिर अगला इसमें है सहस्त्रा दी केसु पुत्रेसु सत्वापि सा दुखी आसीत, हजारों से अधिक पुत्र होने पर भी वह दुखी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ किसकी जगह कासा सहस्त्राधिकेशु, तो इसकी जगह पर, यहाँ जो स्थूल पद है देखिए ये शब्द है सहस्त्राधिकेशु, तो इसकी जगह पर हो जाएगा कतिसु, कतिसु पुत्रेशु स्व सत्व स्वपि सह दुखी आसीत, कितने पुत्र होने पर भी वह दुखी थी। प्रश्न पाँच, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम संधिम वा कुरुत, रेखांकित पद में संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ देखिए क में कृषकः क्षेत्र कृष्णम कूर्वन प्लस आसीत, तो कूर्वन प्लस आसीत संधि विच्छेद दे रखा है, तो इसकी संधि हो जाएगी कूर्वन्नासीत। खै में है तयोरेकः वृषभः दुर्बलः आसीत, यहाँ तयोरेकः संधि पद दिया हुआ है, इसका विच्छेद हो जाएगा तयोः प्लस एक। फिर इसमें है तथापि वृषः न प्लस उत्थित, न प्लस उत्थित विच्छेद है, इसका पद बनेगा नोत्थितः। खै में है सत्वस्वपि बहुसु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यं कथम, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत्सु प्लस अपि। फिर इसमें है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतास्मिन् स्नेहेन अनुभवामि, यहाँ जो संधि विच्छेद दे रखा है इसका संपूर्ण पद बनेगा तथाप्यहम मे तस्मिन्। फिर है मे बहूनि प्लस अपत्यानि संति, तो बहूनि अपत्यानि का पद बन जाएगा बहुन्यत पत्यानि। और फिर है सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः, तो यहाँ जलोपल्लवः का विच्छेद हो जाएगा जल प्लस उपल्लवः। प्रश्न नंबर छः, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वो हमें बताने हैं, तो प्रश्न कै में पूछा है सा च वदत वो वास्व अहम रसम दुखिता अस्मि, यहाँ देखिए सा ये रेखांकित पद है, तो सा किसके लिए आया है सुरभिः, सुरभि के लिए। खै में है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, यहाँ अहम के नीचे रेखांकित पद है, तो अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है सुरभिः, सुरभि के लिए। फिर इसमें है सह दीनः इति जानन अपिकृषकः तम पीड़यति, वह गरीब है या दुखी है कष्ट में है, तो यहाँ वह जो आया है वो किसके लिए आया है वृषभः। फिर है मे बहूनि अपत्यानि संति, यहाँ जो मे शब्द आया है वो किसके लिए है सुरभे है। फिर है इसमें सह च ताम एवं असान्तव्यत, तो सह जो पद आया है इसमें सर्वनाम वो आया है इंद्र के लिए। और अंत में पूछा है सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन् प्रीतिः अस्ति,
ताऊ, ये किसके लिए पद आया है? सुरबेह, सुरभि के लिए। प्रश्न 7 में पूछा है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम क स्तंभे पुनः विशिष्य पदम तयोह मेलनम कुरुत। जो क स्तंभ में विशेषण पद लिखे हुए हैं उनको ख के साथ में विशिष्य जो पद दिए हुए हैं उनके साथ में मिलान करना है। तो यहाँ देखिए क और ख पद दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। कश्चित के साथ में हो जाएगा कृषकः, दुर्बलम का वृषभम, क्रुद्ध का हो जाएगा कृषिवल्लः, सहस्त्राधिकेशु पुत्रेषु, अभ्याधिकः कृपा, विस्मितः आखंडलः, और तुल्य वत्सला के साथ में विशेष्य पद होगा जननी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।